अभी हमारे संवाददाताओं से मिली हुई ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक तारकोला जंगल में आतंक मचा कर रखने वाला जिंदा यानी जगन्नाथ मूर्ति का छोटा भाई राणा को कुछ ही समय पहले आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर वाले घने जंगल तारकोला में पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वक्त हम तारकोला के घने जंगल में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां अली मलंगर गांव के पास ही हमारा एनएसएस का कैंप लगने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। इस बीच आप सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन हमें देंगे, आपका एम्बिशन, ड्रीम, ये सब कुछ हमें बताएंगे। लेडीज फर्स्ट, इसलिए पहले मिस दिव्या आप। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा हैं मिनिस्टर सत्यपति। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे ड्रीम्स, एम्बिशियस, मेरी इच्छाएं सब कुछ पूरा करने वाले एक अच्छे माँ बाप मुझे भगवान ने दिए हैं। थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा नंबर है आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट मिस्टर राजा। आइए। मेरा नाम राजा है।
सिर्फ नाम का राजा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। मेरे पापा एक ब्रोकर है। मेरी माँ घर चलाने के लिए झाड़ू पोछा छोटे मोटे काम करती है, कभी कभी सिलाई भी कर लेती है। मेरा कोई बहुत बड़ा एम्बिशन ऐसा वैसा कोई खास सपना नहीं है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और सभी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त मुझे एक अच्छा सा ड्रीम दिमाग में आ रहा है। आप सब ड्रीम एम्बिशन की बात करें इसलिए मैं भी कुछ बताता हूँ। तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने ड्रीम में। ऐसा लग रहा है जैसे इस संसार में नई बहार आई है। आसमान से उतरकर बिल्कुल एक परी के रूप में वो मेरे सामने उड़ रही है। मेरा मन उससे कह रहा है, आई लव यू, आई लव यू। वो परी, वो मेरा प्यार मेरी बाहों में झूल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को भूल रहा हूं। थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा प्यार कामयाब होने के लिए मेरा एडवांस भी मुबारक। थैंक्स यार। ओके, हमें छोड़ के चली गई सेठानी जी। चरणों में चली गई। मालिक, मालकिन हमें छोड़कर चली गई मालिक। हर किसी का दुख दर्द बांटने वाली हमारी मालकिन आज भगवान को प्यारी हो गई मालिक। मालकिन को बचाने के चक्कर में हमारा वफादार सुब्रमण्यम हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा है मालिक। आखिरी वक्त तक सबका भला ही करती रही। बच्ची को खबर पहुंचा दी है क्या? नहीं साहब, बच्ची तो पिकनिक के टूर पर जंगल में गई है। वहाँ पर फोन का नेटवर्क भी नहीं मिलता। हम सभी तो यहाँ मातम मना ही रहे हैं। अगर ये खबर उस बच्ची तक पहुंच गई तो बेचारी को सदमा पहुंचेगा। भाई साहब, टाइम हो गया है, अर्थी को अंतिम विदाई दे दीजिए। चलिए भाई साहब, ये तो आपका फर्ज है, उठिए। नमस्ते मालिक। क्या हो प्यारे, आज गांव में क्या प्रॉब्लम है? सुबह से वायरलेस ना झटके पे झटका दे रहा है, जरा आप आकर देखिए ना। वो सब छोड़, सुबह से जो मुर्गी छोड़ी है उसे मसाला डाल के सूखा बनाया है। साथ में क्या बनाया है? अरे रस्से वाला बनाया।
तो फिर पेट पूजा कर ली जाए, ये मौका अच्छा है। भाई बैल बज रही है, लगता है कोई मुर्गा जाल में फंसा है। मुन्ना भाई मैं तावड़े बोल रहा हूँ, मेरी बीवी को किसने मारा ये पता लगाना है भाई। भाई आपकी आवाज जोर से आ रही है, धीरे से बोलिए। मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ, जरा मुड़कर तो देखो। मुझे सच्चाई जानकर ही रहना है भाई। जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जरा खुल के बताओ। मेरी बीवी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा था, वो किस नालायक के साथ चल रहा था मुझे जानकारी चाहिए। ठीक है खुलकर मत बताओ, तुम्हें किस पे शक है जरा एक हिंट तो दे दो भाई। रात को मैं अपनी बीवी के पास गया तो राई के तेल की बात आ रही थी, मेरे घर में तो राई का तेल आता नहीं है। ये राई के तेल की बात क्यों आ रही है? नेक्स्ट। और ये चप्पल उसकी लाश के पास से मिली है भाई। और पलंग पर कुछ घुंघराले बाल मिले हैं मुन्ना भाई। लगता है सब कुछ अपने ही ऊपर आने वाला है। यू मीन कर ली है? हाँ। चलो 500 रुपए फीस भर के जाओ, हम उसे बाद में ढूंढ लेंगे, जाते समय FIR की रसीद ले लेना। पहले उसका पता तो लगाओ। अरे पहले फीस भरो, हम तो उसे ढूंढ ही लेंगे। अगर तू निकला तो बेटा हो जाएगा तेरा मंगल, जरा बच के रहो। जल्दी उसका पता लगाओ भाई, उसे तो मैं। रुको रुको, मैं पता लगाता हूँ। हल्दी के खेत से हल्दी चुराने वाले के हाथ पीले होते हैं। ब्लैक शिप्स तीनों निकले, मुझे तो एक पे शक था, यहाँ तो पूरा का पूरा ग्रुप ही निकला। मुर्गी चुराने भेजा तो पूरे घर पे ही डाका डाल दिया। So sad. हल्दी का धंधा करने वालों का हाथ पीला होता है ये मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारा केस ओवर, यही लोग हैं गुनहगार। सिर्फ तुम ही हो मेरे ईमानदार शिष्य। मालिक कॉफी। रख दो। बच्ची इस वक्त कहाँ है, ये खबर उस तक पहुंचा दी? नहीं जी, आखिरी वक्त में वो अपनी माँ की सूरत तक नहीं देख पाई बेचारी बच्ची। ये सब सोचकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है दोस्त। तो फिर काम की बात करें क्या? नमस्ते सर। मालिक हमारे फैमिली वकील आए हैं। मालिक अंदर बुलाओ। सर आपके पत्नी के नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपकी बच्ची के नाम पर करने की पूरी तैयारी हो गई है। भाई साहब यहाँ भाई भाई के बीच पैसा प्रॉपर्टी को लेकर तू मैं हो रही है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बीच में ज्यादा बोल रहा हूँ। अब उसका एक भाई होते हुए भी सारी प्रॉपर्टी बच्ची के नाम पर ट्रांसफर करना ठीक होगा? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, उसके भाई को विश्वास में लेकर ही की होगी ना? माना उन्हें विश्वास में लेकर हाँ करवाया होगा, फिर भी अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये सोचना भी जरूरी है ना भाई साहब? तुमने सही कहा, ऐसा ही होगा। वाली एक खास बात है। हाँ भाई बोलो, क्या बात है भाई? कर दूंगा, मंत्री की बेटी दिव्या को खत्म कर दूंगा। मैंने जादू तेरा ऐसा चला होश में नहीं मैं, जादू तेरा ऐसा चला होश में नहीं मैं, तूने किया ऐसा नशा हुआ मैं तो मस्त, तूने किया ऐसा नशा हुआ मैं तो मस्त। मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा। अच्छा भी
चीज तू कमाल रानी, रूप के खजाने से तू है माला माल, हुस्न तेरा जादू भरा, चीज तू कमाल रानी, रूप के खजाने से तू है माला माल, प्यार मुझे कर ले तू बाहों में अब भर ले, प्यार मुझे कर ले तू बाहों में अब भर ले, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा। गोरा है रंग ये तेरा, कातिल है जलवा, की शराब तू नस नस में है नशा, गोरा है रंग ये तेरा, कातिल है जलवा, पर प्यार की शराब तू नस नस में है नशा, पिला पिला मुझको ये हुस्न के तू प्याले, पिला पिला मुझको ये हुस्न के तू प्याले, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा। दिल वालों के दिल में कर दे तू धमाका, फुलझड़ी है प्यार की तू हुस्न तेरा पटाखा, दिल वालों के दिल में कर दे तू धमाका, फुलझड़ी है प्यार की तू हुस्न तेरा पटाखा, संग मेरे नाच ले नशे में तू झूम ले, संग मेरे नाच ले नशे में तू झूम ले, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा, मस्त मस्त तेरी अदा तुझ पे रानी सब है फिदा। ये बात है, ये लो। जी जी। अभी थोड़ी देर पहले बस यहीं से गुजरी है, चल जल्दी कर, चल जल्दी चल जल्दी। जल्दी भाग, जल्दी चल, चल जल्दी मालिक, जल्दी कर, जल्दी भाग। सत्यपति की बेटी का अगवा हो गया है और उनके साथ उनके साथी का भी अगवा हो गया है। इस खबर से पूरे शहर में हंगामा फैल गया है। आखिर ये घटना कैसे हुई? मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करने वाले का नाम जगन्नाथ मूर्ति है। उसका पहला काम मारधाड़, लोगों से लूट मार करना था। उसके बाद ड्रग्स का बिजनेस, हथियार का बिजनेस, ये सब खरीदना बेचना, और देखते देखते उसने गैरकानूनी काम बहुत आगे तक बढ़ा दिया। सर, सारे लोग, कई सारे नेता, और इतना ही नहीं अपने डिपार्टमेंट के सारे लोग उससे मिले हुए हैं सर। ओके, तो उसकी डिमांड क्या है? उसके छोटे भाई को अगर हम छोड़ दे तो वो मिनिस्टर की बेटी और उस लड़के को भी छोड़ने की बात कह रहा है। सर, हेल्थ मिनिस्टर का हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे एहसान। मिनिस्टर साहब की इकलौती बेटी को उसने किडनैप किया, इसलिए हम लोगों को जिंदा की डिमांड को मान लेना ही सही लग रहा है सर। मिस्टर माणिक्य, इस ऑपरेशन के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने कितना रिस्क उठाया है तुम्हें पता है इस बात? मिस्टर राजकुमार, इमोशनल मत होइए, मैं सीएम से बात करूंगा। मीटिंग डिस्पोज्ड। अरे क्या हुआ भाई? मैंने मिनिस्टर की बेटी को उठाने का भरपूर कोशिश किया भाई, लेकिन उससे पहले जिंदा आ गया, उसने उसे उठा लिया भाई। तो किसी काम का नहीं है। फोन रख। चलो जल्दी। मास्टर, मास्टर।
मास्टर, अपनी सेफ्टी के लिए इन दोनों को उठा लाया हूँ। अगर हमारी डीलिंग में कोई प्रॉब्लम आई तो इनके टुकड़े टुकड़े करके पुलिस को ट्रेलर दिखा देंगे। वेरी गुड बॉयज। ये क्या है जो गले में लटका के रखा है? इसे वॉकमैन कहते सर। वो क्या है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। इन लोगों को किसी अच्छी सी जगह पे रखो। तू चल। एक बात बताओ, तुम सच में मिनिस्टर की बेटी हो क्या? क्या हुआ बे? कुछ नहीं भाई, मिनिस्टर की बेटी है, आपकी मांगे पूरी हो ही जाएगी और साथ में मैं भी बच जाऊंगा ना, इसलिए पूछा। चल। हे भगवान, इन शैतानों से मुझे बचा ले। चल। हेलो, सत्यपति को फोन दे। कौन? मुखिया जी। हाँ, एक मिनट देता हूँ। हाँ ठीक है। मालिक, मुखिया जी का फोन है। हेलो। तुम फिकर मत करो, समझे? ठीक है सर जी। बेफिकर रहो। क्या? ठीक है सर जी, बच्ची को हम बचा लेंगे, उसको कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया प्रेसिडेंट जी। आज गांव में क्या प्रॉब्लम है भाई? आप एक हफ्ता से गांव में नहीं थे तो सारा गांव बहुत सुखी था। ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर अब क्या करें? प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बड़ा नहीं होता, प्रॉब्लम खड़ी करने वाला बड़ा होता है। तेरा ये काम है, तू प्रसाद की लड़की से मोहब्बत करेगा। भाई क्यों झिझक रहा है भाई? अब जाके लड़की मांगेंगे और प्रॉब्लम पैदा करेंगे, बड़े लोगों पे हाथ डालेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। फॉलो मी, जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो प्रेसिडेंट, तुम्हारी बेटी से मेरा असिस्टेंट मोहब्बत करता है। चुपचाप हाँ करते हो तो शादी, मना करते हो तो मेरा अपना तरीका। पापा वो तू चुप रह बेटी। ए, इस सड़क छाप टपोरी के हाथ में मेरी बेटी को दिया तो क्या होगा? ए, ये क्या कह रहे हो? वादा है। ए, चल निकाल। देखा ना, राशन कार्ड, फ्री का घर, फ्री टीवी, फ्री मिक्सर, फ्री ग्राइंडर, फ्री के कपड़े भी। पेट भर खाकर सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम है, सिर्फ घर संभालना इसकी ड्यूटी है। आप क्या बोलते हो? ये सब क्या है बेटी? पापा वो पापा, मैं इनसे प्यार करती हूँ, आपसे बात करने के लिए इन्हें यहाँ बुलाई हूँ। ये पुलिस में सर्विस करते है, इनका नाम रवि है। ऐसे बुरे वक्त में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। उग्रवादी, किडनैपिंग, ऐसे हरकतों से जो हमारे देश की इज्जत को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, उनके आगे हमें कभी नहीं झुकना चाहिए। हमें उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है और आपको कोई दुख नहीं है? सिर्फ मेरी बेटी की ही बात नहीं है बेटा, हमारे देश की किसी भी बेटी को, यहाँ तक एक मामूली इंसान को भी ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े। इस देश का मंत्री होने के नाते मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। आप मंत्री होकर ऐसी बात कर रहे हो, ये हमारे लिए फकर की बात है। एक मंत्री हो या एक आदमी हो, सबका दुख दर्द एक समान है। आज के बाद फिर कभी ऐसा सिचुएशन ना आए, ऐसी व्यवस्था करना हमारा फर्ज है। उग्रवादी के हाथों अगर आपकी बेटी को कुछ हो गया तो? इस देश के लिए एक छोटा सा त्याग मैं देने के लिए तैयार। चलता हूँ। नमस्ते। हेलो।
तू भी ले। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। आप जाइए ना। एक्सक्यूज मी, ये लो चाय। मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम चाय नहीं पियोगी ना तो वो तुम्हें शूट कर देंगे। ये क्या, तुमने अभी तक चाय नहीं पी? अगर नहीं पीना है तो फेंक दो, चलेगा। ये क्या है, मैं जो भी कहता हूं उसका ऑपोजिट ही करती है। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अपन राजा है, किसी का दिल नहीं दुखाता। ए, तुम्हें क्या हुआ, तुम जरा भी सीरियस नहीं लग रहे हो। हम कहां फंस चुके हैं तुम्हें पता है ना? देखिए मैडम, ऊपर वाला हमेशा सभी को एक जीवन साथी देता है, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। इंसान के अंदर अगर अच्छी सोच आ जाए तो समझदारी, धन दौलत, सब कुछ एक के बाद एक आ जाती है। तुम नहीं सुधरोगे। क्या चल रहा है, रोमांस? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो फिर जब हमने इसे उठाया तो तू इसके पीछे भागता हुआ क्यों आया? वो क्या है ना, एक लड़की की इज्जत की बात थी। अच्छा बेटा, लड़कियों की बहुत इज्जत करता है तू। है ए भाई, मास्टर का आने का टाइम हो गया, चलो चलते। ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, अरे आइए एसपी साहब। ओके सर, सेंटर से ऑर्डर आया है, जिंदा के छोटे भाई को रिलीज करके आपकी बच्ची को छुड़ाने को कहा है सर। ऐसी बात है, आओ। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। कल सुबह जिंदा के छोटे भाई को रिलीज किया जा रहा है। आज रात को ही उसको खत्म कर दो, आगे का सारा मामला पार्टी के लोग संभाल लेंगे। तुम सिर्फ ये काम करो। हो जाएगा। इधर जेल में जिंदा का भाई मरेगा, उधर जिंदा जंगल में मिनिस्टर की बेटी का काम तमाम कर देगा। अब इसका हम क्या जवाब देंगे? सर, ये बात अगर जिंदा तक पहुंच गई तो मिनिस्टर की बेटी और उस लड़के की जान को खतरा हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, जिंदा के भाई की मौत का इशू मत बनाइए सर, खासकर प्रेस वालों के बीच। व्हाट? अब मैं सीएम से लेकर नीचे तक को क्या जवाब दूं? सर, इस सिचुएशन में जिंदा का छोटा भाई जिंदा है, ये खबर जिंदा को और पब्लिक को भी पता चले, हमें ऐसा कुछ करना होगा सर। कैसे? सर, जब हम जिंदा के भाई को पकड़ने गए थे तब उसे सीने में और उसके पैर में गोली लगी थी, इसलिए उसे तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऐसे मीडिया को न्यूज़ दे देंगे और उस न्यूज़ की आड़ लेकर हम जिंदा के भाई को डिस्चार्ज करने के लिए 10 दिन का टाइम लेंगे। तब तक मिनिस्टर की बेटी और उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कहकर हम जिंदा से टाइम लेंगे। इस 10 दिन के अंदर हम एकदम परफेक्ट ऑपरेशन करके जिंदा और उसके ग्रुप को पकड़कर उस लड़के को और मिनिस्टर की बेटी को छुड़ा लेंगे। सर, मिस्टर राजकुमार जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर। एनीवे, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, तो राजकुमार सर, जिंदा को डाउट ना हो ऐसा काम करो, इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए मिशन टूर का इंतजाम करो। मास्टर, छोटे को छोड़ने के लिए 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं वो। हरगिज नहीं, 10 दिनों का टाइम लेकर वो हम पर अटैक करने का सोच रहा है क्या? ये मुझे मंजूर नहीं, इनको मार के टांग दो। मास्टर, छोटा आने तक हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। पैर और सीने में गोली लगी है, उसका एक मेजर ऑपरेशन होना है, ऐसा उन्होंने कहा है, अब यकीन तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो कौन होते हैं हमें ऑर्डर देने वाले? हमारा ऑर्डर उनको सुनना होगा। 10 दिन नहीं, 5 दिन के अंदर मेरा भाई यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों का सर नहीं रहेगा। बोल देना उनको। कल पुलिस फोर्स निकल रहा है,
अब तक एसपी राजकुमार का किया हुआ सारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। हमारे पूरे डिपार्टमेंट को उस पर बहुत नाज और भरोसा है। जिंदा को उसके भाई के मरने की बात पता नहीं है ना? नहीं पता। जिंदा का भाई मर चुका है, ये खबर जिंदा तक पहुंचा दो। पुलिस जिस बात को छुपा रही है वो बात जिंदा तक पहुंच गई तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ओके सर। ये जिंदगी कितनी सुहानी है, चींटी भी जीती है अपनी जिंदगी, तू है मेरा छोटा प्यारा भाई। वहां देखिए ये क्या, ये खड़े खड़े सो रहा है या लटकने जा रहा है? जाके देखो। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो यार, ये अच्छी बात नहीं है। उतरो यार, जिंदगी का नाम ही प्रॉब्लम है। अजीब आदमी हो यार, ऐसे फांसी लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? अजीब आदमी है भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? ठीक है मत बता, लेकिन तू जो कर रहा था वो बिल्कुल गलत है। इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए। जरा सोचो, इस धरती पे पैदा हुए हो, आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे। तुम्हें विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे तो जरूर है। मैं जो कह रहा हूँ उसे याद रखना। आप मुझे तसल्ली देने की बात मत करो। स्टॉप। प्यार में धोखा खाया है, तेरी आंखें कह रही हैं। दीपिका की शादी हो गई तो अनुष्का, अनुष्का की शादी हो गई तो सोनम। यही दुनिया की रीत है यार। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझसे जो भी मदद चाहिए मांग ले खुल के। मतलब मैं नहीं मरूं? ठीक है, बहुत सही, ये हुई ना बात। चलो चलते हैं। आओ आओ आओ। ये सब क्या है? मैं गले में रस्सी डाल के मरने जा रहा था, तुम ऊपर से देवता बनकर मेरी जान बचाने के लिए आए। ए, मतलब तू खुदकुशी नहीं कर रहा था क्या? खून खून मेरी पंचाली का। ए, तू इस बेचारी को यहाँ लाकर क्यों मारा? तुम दारू पी पी कर ही मरोगे, तुम दम लगा कर ही मरोगे। दम नहीं लगाऊं, शराब नहीं पीऊं तो जीऊंगा कैसे? ये थी, इसे निकाल दिया। मेरी नौकरी तो गई है, अब ये भी मुझे छोड़ के जाने वाली थी। भाई साइलेंट कर दिया, बहुत वायलेंट हो गई थी। अब ज्यादा मत बोलना भाई, मैंने सारी बात बता दी है। चलो इसको लटका देते हैं। ए, आज के बाद से इस गांव में किसी की मदद नहीं करेंगे। ए, रेडी गो। भाई ये लटका दो। इस जंगल के बारे में जिंदा को और उसके ग्रुप को चप्पे चप्पे की मालूमात है। वो गुरिल्ला अटैक में एक्सपर्ट है। हमें बहुत केयरफुल होकर राउंड अप करना होगा। ओके ओके सर, सारा इंतजाम हो चुका है सर। कम ऑन, हरी अप।
करो खुदकुशी इश्क में, तुम ना फंसो इश्क के जाल में। इश्क है ये माया जाल, जाल ही तोड़ दो। इश्क में होता बुरा हाल, आदत ये छोड़ दो। तड़पोगे सारी उम्र आशिकी में यार तुम, तड़पोगे सारी उम्र दिल लगी में तुम, तड़पोगे पूरी उम्र आशिकी में यार तुम, तड़पोगे सारी उम्र दिल लगी में यार तुम। Man like a cow, you wanna know how? I will show you now, baby. Man like a cow, you wanna know how? I will show you now, now, now. इश्क में कोई जी ना पाए, इश्क न करना भूल से तुम। इश्क में चैन छिन जाता है, इश्क में हो जाए होश गुम। Six more, stay calm. A sexy lady got a sexy body. Oh, let me tell you one thing. You're a young thing, you're the one, only one. I fix you in my eye, got a dusky beauty. You look so hot, let's more pot. Six figures will live forever. I really like your dance, mama. दिल ना देना इश्क है बस दगा, इश्क है गुना पाओगे तुम सजा। कांटे ही मिलते हैं इश्क की राह में, मिट जाए नामो निशा इश्क की चाह में। ओ बदनामी रुसवाई पाओगे सिर्फ तुम, दर्द ही जख्म ही पाओगे इश्क में तुम। बदनामी रुसवाई पाओगे सिर्फ तुम, दर्द ही जख्म ही पाओगे इश्क में तुम। Man like a cow, you wanna know how? I will show you now, baby. Man like a cow, you wanna know how? I will show you now. इश्क में कोई जी ना पाए, इश्क न करना भूल से तुम। इश्क में चैन छिन जाता है, इश्क में हो जाए होश गुम। उड़ जाती है नींदें भी, उड़ जाती है नींद भी, इश्क जैसे भी हो जाए, मर जाए वो जीत जी। पिछले दिल से दिल इश्क में हर पल तड़पे दिल, पिछले दिल दर से दिल इश्क में हर पल तड़पे दिल। कुना, जिंदा के भाई को पुलिस वालों ने मार डाला है। ये मैसेज तुरंत जिंदा तक पहुंचा दो। मास्टर, 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 हमारा छोटा चला गया मास्टर। अभी मैसेज मिला है, हम धोखे में रह गए मास्टर, हमारे साथ धोखा हुआ है। जिसने हमारे साथ धोखा किया है उन्हें हम बर्बाद कर देंगे। उस मिनिस्टर की लड़की को और उस लड़के को पेट्रोल डाल के जिंदा चला दो। Oh!
उन लोगों को फॉलो किया जा रहा है। मौका मिलते ही काम हो जाएगा। वो लोग कहीं भी जाएं, पता लगा लेंगे हम, वो बच के नहीं जा सकेंगे। इस वक्त मुझे कोई भी सफाई नहीं चाहिए। मंत्री की बेटी दिव्या मारी गई। जल्द से जल्द सभी पेपर्स में न्यूज न्यूज छपना चाहिए। पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या होगा? चलो। अरे क्या हुआ तुम्हें बताओ? वो क्या है मालिक? क्या बड़बड़ा रहा है? चल सीता भाग्यवान, सीता भाग्यवान, सीता भाग। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन ने आपको बताने से मना किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मालिक जैसे बहुत दिनों से चल रहा है, मालिक मैं आपको बता दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसी डर से मैं आपको नहीं बता रहा था। मालिक मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मालिक मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ये राज आपसे छुपाया, मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मालिक नमक हराम करने वाले को और गद्दारी करने वाली को खत्म कर दे, खत्म कर दे। बैठो। मेरी सांस छोड़ने के लिए कही तो मैं छोड़ दूंगा, आपके बगल में कैसे बैठ सकता हूँ मालिक? अरे 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 भाई मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका सही सही जवाब देना। पूछिए मालिक। ऊपर देखो, अब बताओ वो फोटो किसकी है? हमारी बच्ची की है मालिक। हमारी बच्ची की? आपकी बच्ची क्या है? हाँ, उसके चेहरे पर मेरी झलक दिख रही है क्या मालिक? अपने मायके छोड़कर आई थी, तब मैं उसे अपने नाम से जोड़कर अपनी दुल्हन बनाकर अपने इसी घर में लाया था। वो पहले से ही गलत थी, तो उसकी बेटी कैसे सही हो सकती है? ये पॉइंट की बात है कि नहीं? खत्म कर दे, मौका मिलते ही खत्म कर दे। हाँ
भाई टूर पर गए हुए लोगों को उग्रवादियों ने किडनैप कर लिया है, पेपर पूरा इसी से भरा है। आप कोई एक्शन लिए बिना यहाँ वहाँ बेकार में घूम रहे, ये बात जानकर गांव वाले हम पर थूक रहे हैं। भाई इसके लिए एक रास्ता है, उग्रवादियों से मिलकर उनके सिकंजे से फंसे हुए लोगों को निकालने की सोचो, उसके बाद स्टार टीवी से बीबीसी तक तुम्हारी वाहवाही होगी। आज जो लोग बुराई कर रहे हैं वो इंकलाब का मैच होंगे। तो सही है, जंगल में जाने के बाद वो लोग उन्हें छोड़ देंगे या फिर मुझे मार डालेंगे, इस बात की क्या गारंटी है यार? भाई वो बात बात की है, लेकिन ये काम मर्दानगी वाला है। ठीक है, लेकिन जंगल में जाएंगे कैसे? क्या है ना भाई, हम पहले अपने गांव जाएंगे, फॉरेस्ट रेंजर से मिलकर सलाह लेंगे, वो इस वक्त गांव में ही है, वो हमें कोई आइडिया जरूर देगा। चलो चलते हैं। ठीक है, प्लान बना लिया तो फिर चलते हैं। भाई निकल चुके हैं, ओवर ओवर। साहब साहब भगवान साहब, उधर देखो। सुनो, सोए हुए शेर को जगाना ही होगा। अरे बाप रे, ये तो देखने में हाथी जैसा दिख रहा है। आपको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? छोटू ने सब कुछ बता दिया है, थोड़ा वेट करो। जंगल हमारे लिए घर जैसा है भाई, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों से मैं कभी भी मिला सकता हूँ। बेटी मैना। हाँ पापा। छाछ लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। दे दो बेटी। प्यार करो भाई, लाइफ बन जाएगी। देखो भाई, जंगल का सही रखवाला हाथी होता है। अरे छाछ गिर गई। बेटी इनको अंदर ले जाकर पानी दे दो धोने के लिए। आइए। मैना, ये नाम सुन के सुकून मिलता है। तुम्हारी ये जो मनमोहक अदा है, हुस्न है, ये मेरे दिल को ठंडक पहुंचाती है। प्यार करो भाई, लाई बन जाएगी। सर सर, भाई भाई उठिए ना भाई। भाई भाई उठिए ना, शक्ल तो देखो, लगता है पिकअप टाइट है। पिकअप डैडी, पिकअप पिकअप। भाई लाइन ही नहीं मिल रही है। हिम्मत मत हारो, फिर एक बार ट्राई करके देखो। शिट, कहाँ है तू? ये सब क्या हो रहा है? सर हम उनको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा था तुम लोगों ने उसे खत्म कर दिया होगा, लेकिन तुम लोग अभी तक भटक ही रहे हो। हम सब किसियानी बिल्ली बने हैं, बस खंबा ही नोच रहे हैं। हाँ सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हे टोटल टीम, हजाम के पास जाकर
सॉरी यार, तुम नहीं। हे बोल। एक मिनट बात तो सुनिए सर। एक मिनट मुझ पर कयामत गुजर रही है, इंतजार कर करके। फिर एक बार ट्राई करके देखो। सर एक मिनट सुनिए तो सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। हे थू। इसको गधे गधे गधे, तुम सब के सब गधे हो। ए, 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 तेरे दिमाग को चैन नहीं है। लाइन मिल गई। शुक्र है। उठा। ओ, मेरा फोन है। हेलो। हेलो डैडी, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ दिव्या, तू कहाँ है? ये कौन सा इलाका मुझे नहीं पता डैडी, हम जंगल में फंस चुके हैं, हमें किसी तरह यहाँ से बचा लो डैडी प्लीज। हम उग्रवादी के हाथों से बचकर निकल चुके हैं, जंगल के रास्ते हमें समझ नहीं आ रहे डैडी, प्लीज हमें बचा लीजिए डैडी, प्लीज डैडी। डैडी हेलो डैडी। जी मालिक। जो मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है, वो बच कर निकले ही जा रही है। बाली। जी मालिक। बाली। जी मालिक बोलिए। इसमें से वो फोन नंबर नोट करके वो कहां पर है ये पता करो। जी मालिक। छे खैर चलो कहीं और चलकर देखते हैं। संभल कर मालिक। बस तू कुछ मत बोल, बस मेरी बात सुन। आओ। एक तरफ जिंदा का ग्रुप मारने आ रहा है, दूसरी तरफ पुलिस बचाने आ रही है। ये मारने के लिए आ रहा है, ये बचाने के लिए आ रहा है। अब तुम क्या करोगे? साइलेंटली दोनों के बीच में जाकर उनको खत्म करोगे। जंगल में वो उग्रवादियों के हाथों मारी गई, ये रिपोर्ट पुलिस में लिखवाकर पुलिस फाइल को क्लोज करवा देना। ठीक है मालिक। रास्ता काफी कंफ्यूजिंग है, कहाँ चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहते हो, बल्कि हमेशा के लिए यहीं पर अपना घर बसाकर रहना चाहते हो। मुंह देखा है, तू कोई हूर परी है क्या जो यहाँ तेरे साथ घर बसाऊंगा मैं? चल जा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ तो ऐसे ही समझ। हा? क्या कर लेगी तू अभी, क्या कर लेगी? हे लुक, मेरे साथ डिसेंटली बिहेव करो। जानते हो मैं कौन हूँ? मिनिस्टर की बेटी, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट। तो क्या हुआ, मेडिकल वेडिकल है किसको सुना रही है? देख मैं यहाँ का लोकल हूँ, अगर हट गई ना तो तोड़ जाएगी, समझी? ए! ए! तुझे तुम्हें ए! अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं कितना अतरंगी हूँ ये तू जानती ही है। मान जा, चल चुपचाप मेरे साथ। वाओ, आज तो मैं बड़े सुकून से नहाऊंगा यहाँ, तुझे नहीं नहाना? से है ना? जी हाँ। अंकल, मैं मिनिस्टर सत्यपति की बेटी हूँ, टेररिस्ट के हाथों किसी तरह बच के निकली हूँ। अंकल मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए ना अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। तुम्हारे साथ कोई और है क्या मैडम? नहीं अंकल। ठीक है आओ।
दिव्या 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 क्यों मैडम डर लग रहा है? मैं एक सच्चाई बताऊं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा फॉरेस्ट रेंजर नहीं हूं मैं। तुम जैसी फंसी हुई लड़कियों को फूड सप्लाई करता हूं मैडम, फूड फूड। अब तक मैं औरों को खिलाता आया हूं, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है। सोच रहा हूं कि तुम्हें खा लूं, खा लूं ना। अरे 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 कहां जा रहे हो? अरे रुक जाओ मैडम, आज तो अरे रुक जा, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मैडम, छोड़ो मुझे। अरे आना बचकर निकल गए, सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिए। शिट मास्टर, वो जितनी भी कोशिश कर ले इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। हम उन्हें पकड़ सकते हैं मास्टर। कैसे? ए, तुम लोग जान बचाने के लिए मुझे कहानी सुना रहे हो क्या? मैं क्या मुर्गी से निकला हुआ अंडा दिख रहा हूँ? अगर वो दोनों मुझे नहीं मिले ना तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके मैं फेंक दूंगा। सुन मास्टर, तू एक काम कर, इन सबको अलग अलग ग्रुप में बांट कर उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजो। जी मास्टर। सर, जिंदा और उसका ग्रुप लगता है उन बच्चों का पीछा करते हुए गए। हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे ना तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। अरे सुन, अगर वो हमें दोनों नहीं मिले ना तो मास्टर में जान से मार देगा, समझा क्या? अरे 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 पुलिस! बताओ सालों, मिनिस्टर की बेटी कहाँ है? बताओ, कहाँ छुपा के रखा है? सर सर, हमें भी नहीं पता, वो लोग भाग गए हैं। कमीनो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, नहीं सर, सर 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 सर, 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 सर
सर माफ कीजिए सर। इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। जिंदा के डील के मुताबिक उसने बच्चों की लाश भेजने की धमकी दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए समथिंग रॉन्ग सर। ओके, वायरलेस से हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। ओके सर। वो उग्रवादी ग्रुप भी हो सकता है, हमारी टीम को अलर्ट रह के चारों तरफ से फॉलो करना होगा। कम ऑन, हरी अप। यस सर। हेलो, क्या हुआ? खाओ बोला तो देख क्यों रही हो? तुम्हारे चेहरे पर चोट आई है, तुम्हें दुख नहीं रहा? ये असली मर्द की बॉडी है, दर्द नहीं हो रहा, ऐसा झूठ बोलो क्या? वैसे मैडम, आपकी नजर में मैं तो एक विलन ही हूं ना। सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो रात होने से पहले रास्ता ढूंढते। मेरे स्वामी का सदर अच्छा करना माता। माँ का प्रसाद समझकर इसको ग्रहण करो। मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ कुलदेवी। दिव्या, आगे खोलो दिव्या। दिव्या, आप लोग कौन है मालिक, यहाँ कैसे आए? भाई, कुछ उग्रवादियों ने हमें पकड़ लिया था। हाँ? बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। हम जंगल में फंसे। हाँ? हैं, हमारी मदद कीजिए। हाँ वो तो हो जाएगा मालिक, पहले छोरी को क्या हुआ देखें। ये धिंगी छोरी की नाड़ी पकड़। अभी देखती हूँ स्वामी, इसका शरीर तो ठंडा पड़ा है स्वामी। मालिक, ये माँ का प्रसाद इसको पिलाओ, ये सही हो जाएगी। धिंगी, इसको पिला। हाँ, ये लो, पियो बहन, पियो पियो, शरीर के लिए अच्छा है बहन। भाई, इससे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा मालिक, ये ताड़ वृक्ष का रस है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये ग्रहण करने के बाद कुछ ही समय के बाद शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी। हा? पूरे शरीर में जोश भरेगा। हा? रक्त उबलने लगेगा, फिर नशे में वो झूम उठेगी मालिक। झूम उठेगी? इसके पूरे शरीर को इसे लगाकर अच्छी तरह से मालिश करो मालिक। अब हम लोग जा रहे हैं, हम बाद में आएंगे। ये धिंगी, चल रानी। आ रही हूँ स्वामी। अब कैसा लग रहा है?
क्या हुआ दिव्या, ये क्या कर रही हो? क्यों मालिक, सब कुछ कुशल मंगल हो गया? देखो मालिक, यहाँ से सीधा चलते जाओगे 10 फलांग दूर एक छोटा सा पुल आएगा, वो लांग कर जाओगे तो एक पक्की सड़क मिलेगी। जाइए मालिक, इस झोले में आम और केला है, भूख लगे तो ग्रहण कर लेना। ये लो जगदम्बा, हमारी माता आपको राह दिखाएगी। माता, इन बच्चों की रक्षा करना। चल धन्यवाद। मुझे क्या हुआ था बताओ ना। कुछ भी नहीं, थोड़ी देर बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, थोड़ा इमेजिन कर रहा था, कुछ खास नहीं है। क्या इमेजिन किया? अचानक एक दिन ये पूरी दुनिया अगर जंगल हो जाएगी तो कैसा रहेगा? हम इस जंगल से नहीं निकल पा रहे और तुम इमेजिनेशन कर रहे हो। नहीं दिव्या, जरा सोच कर देखो, हजारों साल पहले ये दुनिया, ये पूरी धरती जब बनी होगी जंगल की तरह ही रही होगी, और ऐसे ही जंगल में पहली बार एक इंसान का जन्म हुआ होगा, और ऐसे ही जंगल में पहली बार प्यार का जन्म भी हुआ होगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है ये? सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं, सर सर सॉरी सर। तुम्हें मैं सस्पेंड कर दूंगा, माइंड इट। सॉरी दिव्या। सॉरी क्यों? तुम्हारे साथ पूरी तरह पेश आया, तुम पर गुस्सा किया, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ राजा।
ले लूंगा, बताओ मुझे, बताओ मुझे, मुझे कुछ मत करो। इस लड़की को मारने के लिए इसके पिता मिनिस्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मंत्री का फोन है, सुन लो, सुनो। बाली, दिव्या को मार दिया क्या? नहीं मारा तो मार दे, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। अपनी बीवी को शक करके खुद अपनी बीवी को उसने मार डाला। ये भी उसका खून नहीं है, यही बोल के उसने मुझे इसे मारने के लिए भेजा यहाँ। नो, नो, नो। दिव्या, दिव्या, जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, प्लीज, जाओ। दिव्या, खुद को संभालो दिव्या। एक मिनट के अंदर मेरी दुनिया ही तबाह हो गई। नहीं दिव्या, अब तुम क्या कर पाओगे? मैं तुम्हें बचाऊंगा दिव्या, मेरा भरोसा करो दिव्या। मैं यकीन नहीं करूंगी, मुझे किसी में भरोसा नहीं। मेरे पापा झूठे, मम्मी झूठी, मेरी पूरी दुनिया ही झूठी है। जब मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया तो मैं किसके लिए जीऊ? बता, मेरे पास बताना, कहाँ है मेरे पास बताना, बताना। रुको दिव्या, दिव्या मेरी बात मानो, दिव्या मेरी बात तो सुनो दिव्या, रुक जाओ दिव्या, दिव्या मेरे पास बताना, मैं कूद जाऊंगी। नहीं दिव्या, मेरी बात मानो दिव्या, प्लीज दिव्या, ऐसा मत करो दिव्या, प्लीज, रुक, नहीं दिव्या, ऐसा मत करो, नहीं। हे भगवान, मेरा सपना पूरा कर, मुझ पे कृपा कर भगवान। जंगल में जाकर हम उग्रवादियों से मिलेंगे, उन्हें सरेंडर कराकर हम नेशनली फेम। इसके अलावा एक खास बात और करनी है। क्या? जंगल से लौटने के बाद ये भाई ब्रह्मचारी व्रत तो क्या कह रहे भाई? हाँ भाई, वो मैना पता है ना, मेरे दिल में उतर गई है और मेरा दिल निचोड़ती रहती है भाई। ये हुई ना बात। ये बताओ, आज छोटू दिखाई नहीं दे रहा है? भाई आप जंगल जा रहे हैं ना, ये बात सुनकर छोटू डर कर भाग गया। मुंह बंद कर अपना, बहुत जिगर है उसमें, वही तो मेरा असली चेला है। अभी देखना मेरा छोटू भागता हुआ आएगा। वो नहीं आने वाला, वो नहीं आएगा। ये चिट्ठी पढ़ो। अब तक मैंने जो कुछ भी चाहा था वो पूरा हो गया है। लव इज ग्रेट, बड़े भैया भी ग्रेट है। अपनी शादी में नहीं बुला सका, माफ कर दीजिए। आपके प्यारे छोटू और महिला। अब समझा, तेरा असिस्टेंट छोटू राजा मेरी बेटी मैना को भगा कर ले गया है। आपने लड़की से पूछा, वो उसके जरिए उग्रवादी से मिलना चाहता होगा। वो मैना को अपनी ढाल बनाकर आपसे हमारा काम करवाना चाहता होगा। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। प्यार करो भाई, लाई बन जाएगी। प्यार करो भाई, लाई बन जाएगी। प्यार करो भाई, लाई बन जाएगी। रेंजर साहब, इस डेढ़ फुटियों को गोली से भून डालो। प्यार जरूर करो, लेकिन असिस्टेंट को साथ में रखकर नहीं, वरना लाइफ का यही हाल होता है। मुझसे कुछ कहे बिना मेरी रजनी यहाँ से ऋषिकेश चली गई। भाई मेरे, अब आप ही लोग मेरे लिए कोई लड़की देखो।
सर ये कोमा के स्टेज में था, आज ही इसकी डेथ हो गई है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सर आपका ये वफादार नौकर दरअसल मर्द था ही नहीं, वो क्या है कि सर ये औरत और मर्द के बीच का था सर। मेरे हिसाब से सर इसके साथ ये हादसा 20 साल पहले ही हो चुका था ऐसा मुझे लगता है। हे अनलकी फेलो। रामू तू मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ धोखा किया है, मैंने आपसे झूठ बोला, हे भगवान मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने झूठ बोला। मालिक जब आप नहीं थे तो मैं बहुत ही बोर हो रहा था और अकेले बैठे बैठे सबसे छुपकर सेक्सी फिल्म देखता रहता था। अलग अलग तरह की मैंने सेक्सी फिल्में देखी। उस वक्त बाहर एक जान पहचान की लड़की मुझसे मिलने आने वाली थी, जब मैं बाहर आया तो मालकिन नहा रही थी, मैंने खिड़की खोलकर उन्हें नहाते हुए देख लिया। और उसी वक्त अचानक मेरे फोन की घंटी बज गई और मुझे देखते ही मालकिन बेहोश होकर बाथरूम में गिर गई। और आपका फोन आया ये देखकर मैं डर गया। क्या बात है, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अभी मैं घर आ रहा हूँ, आगे का दरवाजा खुला रखना। मैंने सोचा कि ये बात मालकिन आपको बता देंगी तो मेरा क्या होगा। माजी, क्या हुआ? क्या हुआ माजी? माजी, आपको क्या हुआ? तब मुझे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। आंखें खोलो माजी, देखो ना माजी, माजी आंखें खोलो, अरे क्या हुआ? उस वक्त दोनों को एक ही जगह पर देखकर मेरे दिमाग में एक योजना आ गई। माजी को क्या हो गया? माजी साहब को फोन करना पड़ेगा। माजी माजी क्या हो गया? माजी माजी क्या हो गया? क्या हो गया आपको? माजी उठो ना, उठो माजी, उठो माजी, उठो उठो माजी। अरे साहब साहब देखिए ना साहब क्या हो गया, साहब देखिए माजी को क्या हो गया साहब, साहब डॉक्टर को फोन करो साहब, जल्दी फोन करो, बस देखो ना साहब। डॉक्टर को नहीं बुलाना है, ये हमारे इज्जत का सवाल है। उस वक्त मेरे हाथ में नशे की दवा का एक इंजेक्शन था, मैंने वो मालकिन को भी लगा दिया। फिर उन दोनों को मैंने ऐसे लिटा दिया जैसे लगे कि वो गलत काम कर रहे हो, ताकि आपको यकीन हो जाए। ऐसी मालकिन पर मैंने गलत इल्जाम लगाया, गलत इल्जाम लगाया मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बार माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारा आंसू पोछा और तूने मेरी ही आंखें फोड़ दी। तुझे माफ किया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जल्दी चलो, मुझे मेरी बच्ची की जान बचानी है, भगाओ। मंत्री क्या है वान, बच्ची को मार कहके हमें मार रहा है। अरे फिर काट दिया, अरे उठा ना,
क्यों काट रहा है? जब मैं सबके सामने नोट फेंकता हूं तो सब खुश रहते हैं। हरामखोर, थू! हे, गाड़ी भगाओ, जल्दी! चारों तरफ उनको ढूंढो, उनको इस एरिया से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जाकर खत्म कर दो, जाओ, चलो, जाओ, चलो, चलो। मुझसे चला नहीं जा रहा है राजा, चलो। बेटी मिल गई क्या? हम कोशिश कर रहे हैं सर, ये बहुत डेंजर एरिया है सर, आप यहाँ क्यों आए सर? आपकी बच्ची को बचाना हमारा फर्ज है। रहने दो, एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बच्ची को कैसे बचाना है मैं जानता हूँ। जगदीश। हाँ सर। मंत्री साहब बहुत डिस्टर्ब है, हमारी फोर्स को अलर्ट कर दो। ओके सर। सर पर लेते हैं, उन्हें शक नहीं होगा। लो, समझ गए।
अब मुझ में और हिम्मत नहीं है राजा। दिव्या प्लीज, दिव्या थोड़ा सा कोऑपरेट करो। नो दिव्या प्लीज। नहीं राजा, मुझसे अब और नहीं होगा। दिव्या तुम यहीं रुको, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसका इस्तेमाल करना, मैं यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूं। क्या है, तुम लोग पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मेरी बच्ची कहाँ है जाकर ढूंढो, चलो जाओ। कमांड, अब तुम्हें भी प्यार से समझाऊं, जाकर ढूंढो। मेरे पास सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी है, तुम लोग जाओ ढूंढो, जाओ। कर दी मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को। बेटी दिव्या, पास बताना, पास बताना। दिव्या, मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, मैं तो तुझे बचाने आया था। तेरी माँ बहुत शरीफ थी बेटा, एक नमक हराम ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। मुझसे भूल हो गई बेटी, मैं भी गुनहगार हूँ, तुम्हारे बिना मैं भी जीकर क्या करूँगा।
ऊपर वाले ने मेरी गुनाहों की सजा दे दी, सजा दे दी बेटा दिव्या। ऐसे ही जंगल में पहली बार एक इंसान का जन्म हुआ होगा और ऐसे ही जंगल में पहली बार प्यार का जन्म भी हुआ होगा।